गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दुबई डायरीज में नेहा। तो आज है 23rd of June। कल का व्लॉग आपने देखा होगा जिसकी एंडिंग थी मैंने जो है वो मोबाइल परचेज किया है, जैसे मैंने बताया था अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए। तो आज अभी वो हो रहे हैं सुबह के 8 और मैं बना रही हूँ चाय, और दिन की शुरुआत चाय से। कल शुरुआत हुई थी ग्रीन टी के साथ, बट अभी जो है शुरुआत हो रही है वो मिल्क टी के साथ। तो आज के जो प्लान्स हैं मैंने सोचा क्यों ना आपसे मॉर्निंग में शेयर कर लिए जाएँ। हस्बैंड जा चुके हैं जॉब और हम जो हैं वो करने वाले हैं रात की प्रिपरेशंस। तो रात की प्रिपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। कल मैंने मोबाइल ले लिया है, जी हाँ आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में, तो मैंने मोबाइल लिया है सैमसंग का A51। तो यही मेरे बजट में था। और मोबाइल के साथ साथ जो सरप्राइज़ की प्लानिंग्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैं बेक करने वाली हूँ केक, वो आपको भी आगे रेसिपी देखने को मिलेगी। मैं शेयर करूँगी आप सबसे कैसे मैंने जो है वो केक बनाया। और साथ में मैंने सोचा है कि रात को 12 o'clock सरप्राइज़ पार्टी देनी है, आई मीन मॉर्निंग के। तो जो हमारे साथ में जो रहते हैं यहाँ पे लोग, नेबर्स हैं जो हमारे, तो बस उनको बोला है मैंने कि इससे सरप्राइज़ प्लान किया है हस्बैंड के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ी स्नैक्स भी जो है वो साथ में मैं बना लूँ। देखिए मैंने अभी काजल फैला हुआ है, कुछ नहीं किया। कल आई मैं आके, थोड़े बहुत काम किए वहाँ से आने के बाद, शाम हो गई, वही रूटीन कुकिंग एंड ऑल। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने स्नैक्स वगैरह जो है सोचा है कुछ बनाएंगे। तो स्नैक्स में मैं सोच रही हूँ कि फ्राइज़ हो गई या थोड़े पकौड़े टाइप में कुछ, और केक होगा, ड्रिंक्स वगैरह रख लेंगे, आई मीन कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस। तो यही ठीक है। फिर जो प्रॉपर सेलिब्रेशन है वो आपको मिलेगा ब्लॉग देखने को 25th को मेरे ख्याल से। हाँ, तो हम सोच रही हूँ मैं कि बर्थडे वाले दिन 24th को जो है हम डिनर के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे हस्बैंड वाइफ। तो इतना ही प्लान है, बट जो भी मैं बनाऊँगी, जो भी मैं करूँगी, वो आपको अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं मुझे एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, बट है। लाइक मैंने आपको बोला कि मैंने कभी ऐसे मतलब एक्साइटमेंट इसलिए है कि जो जर्नी शेयर करने को जो चल रहा है वो मैं मतलब औरों से भी जो है, आप लोगों से भी जो है, वो साझा कर रही हूँ। और मुझे बोलना था कि यार प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्योंकि अगर देखें आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या फिर शेयर करेंगे वीडियोस को, तो मुझे जो है वो और ज़्यादा मन होगा कि मैं कंटिन्यू करूँ ये जर्नी आप लोगों के साथ। अगर अदरवाइज़ अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ठीक है, फिर भी बनाऊँगी मतलब, बट स्टिल मतलब। तो प्लीज़ जो देखते हैं वो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और चाय की रेसिपी तो क्या शेयर करनी, सबको आती है चाय बनानी। ये देखिए बॉयल आ रहा है चाय में। अब चाय की रेसिपी क्या किया, कुछ भी नहीं, नॉर्मल अदरक वाली चाय है, चाय, दूध, चाय पत्ती, शुगर और अदरक। बाकी व्लॉग लंबा हो जाएगा, यहीं पे एंड करते हैं। और जब केक बनाने लगूंगी, बेक करने लगूंगी, तो जो है मैं वो आगे वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ बेटा। तो जैसे आप देख सकते हैं अब केक का जो प्रोसेस है मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने लिया है ये पिल्सबरी का जो है वो चॉकलेट पाउडर, ये मिक्स है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स है, शुगर, कोकोआ पाउडर सब मिक्स है इसमें। तो इसमें हम जो क्या ऐड करेंगे, ये मैंने मिल्क लिया है, वार्म मिल्क और साथ में वार्म वाटर, ये वाटर है, और साथ में इसमें डालेंगे हम 1 to 2 tablespoons ऑलिव ऑयल। इन सबको मिक्स करेंगे और मैं जो हूँ वो डबल लेयर केक बनाने जा रही हूँ। तो ओवन में केक बनाऊंगी मैं, एक लेयर इतनी बड़ी बनेगी, दूसरी लेयर इतनी बड़ी। तो चलिए मिक्स करते हैं सब कुछ और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। आइसिंग जो है वो लेट करेंगे, अभी जो है सिर्फ हम बेस रेडी करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें वाटर मिला दिया है, जो हमारा मिल्क लिया था हमने वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करेंगे। केक जो है मैं वो वेज बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ एग या कुछ और जो है वो ऐड नहीं किया है। तो हमने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो ये इसमें लम्स हैं वो नहीं आने चाहिए, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। थोड़ा सा हमने जो है वो ड्राई पाउडर एक्स्ट्रा रख लिया है, वो इसलिए रखा है कि जब हम केक को माइक्रोवेव में डालेंगे तो जो हम बर्तन लेंगे उसमें जो है वो हल्का सा जो है वो
डस्टिंग कर देंगे ताकि केक जो है वो हमारा चिपके नहीं। तो आपको जो ट्रिक इसमें ये याद रखनी है कि जो अगर आप मिल्क डालोगे या फिर आप वाटर डालोगे तो दोनों वो वार्म होने चाहिए। तो ये पहले मिक्स कर लेते हैं मिक्सचर, और फिर इसको जो है हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए अराउंड 15 to 30 minutes, और फिर ओवन में जो है वो केक बेक करेंगे। ओवन नहीं, माइक्रोवेव केक है ये, जैसे मैंने बोला आपको। सो ये मिक्स करते हैं और छोड़ देते हैं इसको थोड़ा सेट होने के लिए। जैसे मैंने बताया, इसको इसके जो मतलब जो हमारा बेस है बनाने के लिए, उसमें हल्का सा हम जो है ये स्प्रिंकल कर देंगे, जो हमने थोड़ा सा रखा था पाउडर। वो इसलिए करेंगे हम स्प्रिंकल कि केक जो है हमारा वो चिपके नहीं। और मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो बटर के साथ या आप ऑलिव ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं बर्तन को, तो वो ऑप्शनल है आपका। अब जो है हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे। मिक्सचर जो है हमने फुल नहीं करना है ये डब्बा जो हमारे पास है कंटेनर, बिकॉज़ ये जो है वो अच्छे से फूलेगा। तो अराउंड मैंने इतना लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा थिक केक नहीं बनाना, तो आप देख सकते हैं हमने बड़े कंटेनर में फिल किया है। ऐसे ही मैं छोटा कंटेनर लिया है, उसमें फिल कर दूंगी ये बैटर केक वाला। वो इसलिए मैंने आपको बताया मैं डबल लेयर केक बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं एक जो बेस वाला है वो थोड़ा बड़ा है, जो उसके ऊपर आएगा वो छोटा है। तो ये बचा हुआ बैटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये प्रोसेस हो चुका है। फिर उसके बाद जो है हम इसको माइक्रोवेव में अराउंड 10 to 15 minutes के लिए लगा देंगे। तो ईच कंटेनर जो है वो 10 to 15 minutes या फिर मिनिमम कह लें आप 5 minutes में जो है वो हो जाएगा, एज़ पर योर वॉट ऑफ माइक्रोवेव डिपेंड करता है ये। बस हमारा बेस रेडी हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे आइसिंग। सो वेट एंड वॉच। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी है। तो अब हमने जो है इसको माइक्रोवेव में बेक करना। सो वेट करें और आगे देखें कैसा बनता है हमारा केक। जो है हम माइक्रोवेव में इसको बेक करने के लिए रख देंगे। सिंपली माइक्रोवेव के अंदर जा चुका है और उसको लगा देंगे हम फॉर 5 minutes। तो पहले 5 minutes में देखेंगे कितना रेडी होता है, अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से इसको 4-5 minutes के लिए और लगा देंगे। ट्रिक है एक इसको चेक करने की, वो मैं आपसे शेयर करूँगी आगे कैसे करूँगी। तो चले देखते हैं कितना रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं अभी जो है वो रेडी नहीं हुआ है, ये स्टिल फूल रहा है। तो इट मीन्स अभी और इसको 2 minutes लगेंगे अच्छे से बेक होने में। वेट करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। जैसे मैं ये सेम बना रही हूँ, मतलब नीचे वाला डबल लेयर है, एक लेयर बना रही हूँ, दूसरी लेयर जो है वो सेम स्टाइल से ही बनेगी। तो लेट इट डन, फिर उसके बाद आइसिंग शेयर करती हूँ मैं कैसे करूँगी इसकी। सिंपल करूँगी, देखें घर में चीज़ें बनानी हो ना सिंपल से ओवर रखें, ज़्यादा हेडिक लो या फिर ज़्यादा सोचो कि कैसे क्या, वो तो चीज़ें वैसे हो नहीं पाती हैं। तो लेट इट बी, जो जो सामान है घर में उसे यूज़ करके बना लो, मेरा बंडा तो यही है। तो आप जैसे देख रहे हैं मैंने जो है वो डेरी मिल्क की चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। उसमें मिल्क डाल के माइक्रोवेव में किया था, और मैं जो हूँ ये वाइट मिल्क के बाद चॉकलेट्स ले रही हूँ ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा तो लग रहा है, बस हो गया ऑलमोस्ट, केक बन के रेडी हो गया है इस तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू, वेलकम अगेन। तो आप देख सकते हैं मैं डेकोरेशन जो हूँ स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ नॉर्मल बलून्स और थोड़ा बहुत जो घर पे मटेरियल पड़ा था उससे। तो लेट्स स्टार्ट डेकोरेशन करते हैं पूरा सस्पेंस और सरप्राइज के साथ। बहुत जोर लग रहा है। पता लगा
ढूंढो वो बलून में ढूंढो कुछ मिलेगा आपको ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो कुछ मिल रहा है पहले केक काट लो ढूंढो गर्दी से हटाया है रैप ऐसे कैसे है इतना पता चल जाएगी ना भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर रमेश भैया हैप्पी बर्थडे टू यू ये और ये सब सबने मिलके हम सब मैंने कुछ नहीं किया मैं तो सो के अभी उठी हूँ सबने मिलके Thank you so much guys for watching the vlog and please like, subscribe, comment and share.